आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंशी किचन में। और जब आपके पास टाइम कम हो और आपको बनानी हो सब्जी, तो आप 5 से 7 मिनट में बना सकते हैं भिंडी की ऐसी टेस्टी सब्जी जो खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। ये है अचारी भिंडी। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मसाला भिंडी बनाने के लिए हमने सबसे पहले भिंडियों को अच्छे से धोकर थोड़ा सा सुखा लिया था, और इनको इस तरह से हम काट लेंगे। तो सारी भिंडियां हमारी कट गई है, और इसी के साथ हम कुछ मसाले लेंगे। तो भिंडी तो कट चुकी है और ये मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं जीरा, और ये है सूखा धनिया, थोड़ी सी कलौंजी, सौंफ, दाना मेथी, थोड़ी सी राई, और ये है हींग। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सब्जी। तो अब हमने ली है एक कढ़ाई, और उसमें हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। तो ये जो सब्जी है सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है, और तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि भिंडी की सब्जी में वैसे भी तेल ज़्यादा चाहिए। और अचारी बना रहे हैं तो फिर सरसों का फ्लेवर तो बस बनता है। और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे मसाले। और अब इस तेल में हम डाल देते हैं एक तेज पत्ता, और ये जो मसाले हमने निकाले थे ये हम इसमें डाल देते हैं। तो एक है जीरा, राई, सौंफ, ये धनिया जिसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया है, ये दाना मेथी, और ये कलौंजी। और अब इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं भिंडी। तो ये भिंडी, और इसी में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट ली थी, तो वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ काट के साथ। और इसको कर देंगे मिक्स। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और हल्दी, और इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये गया नमक। नमक आप थोड़ा कम ही डालें क्योंकि भिंडी अभी ज़्यादा दिख रही है, लेकिन बनने के बाद ये कम हो जाती है, इसलिए भिंडी बना इसलिए नमक थोड़ा कम डालें। और ये हमने डाल दिए थोड़ी सी हल्दी, और अब इसको हम ढक देते हैं 3-4 मिनट के लिए। तो 4 से 5 मिनट हो गए हैं भिंडी को पकते हुए, और हम इसको एक बार चला लेंगे। तो इस तरह से भिंडी को बीच में 1 से 2 बार चलाना है ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से सिक जाए। और अब इसमें हम डाल देंगे बाकी के मसाले। तो बाकी के मसालों में जाएगा थोड़ा धनिया, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, और हल्दी हम पहले डाल ही चुके हैं, और ये गई लाल मिर्च। तो लाल मिर्च भी थोड़ी सी ज़्यादा क्योंकि अचारी भिंडी है, तो अचारी भिंडी में मसाले थोड़े से ज़्यादा ही होते हैं। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा पाउडर। और अब हम इसमें डाल रहे हैं हींग। तो हींग हम ऊपर से डालेंगे ताकि हींग का फ्लेवर, हींग की खुशबू भिंडी में बहुत अच्छे से आए। और इसको मिक्स करके हम फिर से 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। और अब इस सब्जी को हम एक बार से चेक कर लेते हैं फिर से। तो देखिए बनकर तैयार है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अचार के मसालों जैसी। और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर ताकि इसमें थोड़ी सी खटास हो जाए। और अगर आपके पास नींबू है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला, और बस इसको भी हम मिक्स कर देंगे। और ये फटाफट से तैयार हो गई है हमारी अचारी भिंडी। और इसके साथ आप बनाइए गरम गरम पराठे या पूड़ियाँ, और बस मज़ा लीजिए अचारी भिंडी का। और देखिए जो सारा तेल था वो भिंडियों ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तो बहुत ज़्यादा तेल भी हमने नहीं डाला था, बस थोड़ा सा ज़्यादा नॉर्मल से। तो इतने में तेल में ये सब्जी बन जाएगी।
तो अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये सब्जी गई प्लेट में, ये देखिए गर्मा गर्म अचारी भिंडी, धुआंदार मसालेदार और सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनने वाली। और इसमें हमने ना प्याज डाला, ना लहसुन डाला, ना टमाटर डाला, लेकिन स्वाद में ये फिर भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो जब भी आपके पास कुछ ज़्यादा सब्जियां ना हो तो आप इस तरह से मसाला भिंडी बनाइए और लीजिए गर्मा गर्म भिंडी का आनंद। तो हम भी लेते हैं इन वीडियो का आनंद और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।